देख रहे हैं टेकटॉक। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ Redmi Note 5 Pro जो कि बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा किलर फोन। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इस फोन के बारे में और पूरे डिटेल्स में। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर बात करें इसके रिजोल्यूशन के ऊपर। यहाँ पर आपको मिलता है 2060x180 पिक्सल का, यहाँ पर फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर मिलता है एंड्रीना 509 का GPU। तो ऊपर की बात हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट ग्लास, उसके साइड पे आपको मिलता है स्पीकर और उसके साइड पे आपको मिलता है 20 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो बहुत अच्छा प्रीमियम लुक देता है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलता है 1.8 GHz प्रोसेसर का प्राइमरी क्लॉक स्पीड और यहाँ पर मिलता है ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 636 के ऊपर। यहाँ पर आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और बस बहुत अच्छा दोस्तों लग्जरी लुक देता है आपको। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है नॉगट 7.1.2। लगता है साओमी में अगर फ्यूचर में ओरियो का अपडेट भी जल्दी ही दे दे। तो बैक की बात करें तो बहुत अच्छा लुक देता है और यहाँ पर आपको मिलता है डुअल कैमरा जो कि 5 MP सेकेंडरी कैमरा है और 12 MP का प्राइमरी कैमरा है। उसके नीचे आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट जोड़ बहुत ही छोटा वाला, बहुत ही फास्ट एंड क्यूरियस है, 0.1 सेकेंड में आपका ऑनलॉक कर देता है आपका स्क्रीन। तो बहुत अच्छा स्क्रीन है दोस्तों। यहाँ पर स्नैपड्रैगन भी अच्छा 636 प्रोसेसर आपको मिलता है और यहाँ पर आता है 4GB या फिर 6GB का रैम। तो इंटरनल स्टोरेज दोनों के लिए सेम है 64GB और यहाँ पर एक्सपेंडेबल स्टोरेज है यहाँ पर 180GB तक। तो आप यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट आपको मिलता है यहाँ पर और माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो कैमरा की बात करा जाए तो बहुत मैंने सैंपल्स लिए हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है निकॉन का एक पिक्चर जो कि पोर्ट्रेट मोड में मैंने खींचा है, बहुत ही शार्पनिंग, बहुत ही कलर कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ठीक है यहाँ। तो आपको यहाँ पर मिलता है 1.8 GHz प्रोसेसर का प्रोसेसर यहाँ पर, और आपको सबसे हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको बैटरी मिलता है 4000 mAh की बैटरी जो कि 2 डेज के लिए बहुत अच्छा बैटरी रह सकती है। तो हाइब्रिड स्लॉट एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा, पर बट उसको छोड़कर ये फोन बहुत वैल्यू फॉर फोन है जो कि 15000 के अंदर है। तो दोस्तों ये था Redmi Note 5 Pro। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो EMI से खरीद सकते हैं या फिर Flipkart से खरीद सकते हैं।